In the serial, ये उन दिनों की बात है. Soon you will see Naina and Sameer's marriage track, and with that, we got our hands on the interview of Naina's Sangeet, where Naina's Chachi Ji speaks about the Sangeet. Take a look at Naina's Chachi Ji, Bela Fame, Madhushree Sharma's interview. तो मेहंदी की रस्म हुआ है, पहले चाची से शुरू हुआ है, जहाँ काफी नाराज भी आप नजर आ रही हैं, क्या हुआ है? ये तो राज है, बट एक माँ होती है ना, वो चाहती है कि उसकी बेटी के लिए कोई तकलीफ ना हो आगे, और हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे वो ध्यान देती है. तो छोटी सी कहीं सुनी हुई है, लेकिन वो उसका गुस्सा नहीं है, नैना के लिए प्यार है. तो बस वो चाहती है कि एक माँ भले मार सके अपनी बेटी को, डांटे, लेकिन कोई और अपनी बेटी पे उंगली उठाए ये एक माँ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती. तो बस थोड़ी सी नाराज़गी है, लेकिन नैना तो नैना है, वो चाची को गुस्सा रहने नहीं देती, इतना प्यार करती है, मना लेती है, बस ऐसा ही कुछ है. हाँ, एक्चुअली ये मूवी भी मेरी फेवरेट, तो आई एम सो हैप्पी कि इस गाने पे हम लोग डांस कर रहे हैं. बहुत अच्छा. बेला तो हमेशा मानी जाती है, थोड़ी सी नादान है और दिल की बहुत साफ है. तो बस वो डरती है कि बस कोई मेरे बच्चों पे कोई आँच ना आए, तो मैं डांट लूँ ठीक है, लेकिन कोई और कुछ ना बोले. ओवर पॉजिटिव है, जो मुझे लगता है मेरी मम्मी भी मेरे लिए है, तो हर मम्मी चाहती होंगी कि उनकी बच्ची के ऊपर कभी कोई तकलीफ ना हो. तो अगर बेला के नज़रिया से देखा जाए तो सब कुछ बहुत सही है. तो अब पर बहुत अच्छा लगा, आई थिंक आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, माइंड माइंड पे डांस हम लोगों का. हाँ, बहुत सारी तैयारी है, हम बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले हैं, बेला बहुत अच्छे से तैयार होने वाली है, नैना तो मतलब मेरी परवरिश है, तो वो तो लगने वाली है खूबसूरत, मेहंदी लगाने वाले हैं, बहुत सारे चटपटा सीन्स आने वाला है. बस बड़ा ही खास माहौल है, मेहंदी, शादी आने वाली, किस तरह की तैयारियाँ चल रही? मुझे लगता है कि जो ऐसा मानते हैं कि इंसान का ना ज़रूरी नहीं है खून का रिश्ता हो, दिल का रिश्ता होना, सच्चा रिश्ता होना बहुत ज़रूरी होता है. और ये शो में सबसे बड़ी बात यही है कि ऑब्वियसली अगर नैना की माँ होती तो वो भी इतना ही इंजॉय करती जितना बेला कर रही है, लेकिन बेला के लिए नैना, ये जब सोचो तब ऐसा लगता है कि अच्छा बेला जो है नैना की चाची है, लेकिन ये सिर्फ जब आप सोचोगे तभी, नहीं तो कोई भी सीन या हम लोगों में भी बॉन्ड ऐसा हो गया, मतलब मुझे भी जब डांटने का सीन होता तो मुझे बहुत तकलीफ होता है, नहीं मैं क्यों डांट रही हूँ, क्योंकि हमारा ऑन स्क्रीन जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन आप लोगों को दिखता है, ऑफ स्क्रीन भी उतना ही है. तो हम लोगों को ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज़ हमारे को एक्टर आपस में इतने अच्छे हैं, हमारी आपस में बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को. मैं प्लीज़ अभी से तो सोचना भी नहीं चाहती, क्योंकि इसके पहले भी एक सीन अभी आया है, आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे नैना जा रही है सब कुछ सोचती हुई कि अब ये घर छोड़, मैं लिटरली जब वो सीन चल रहा था मैं ना अपनी मस्ती में थी, बिकॉज़ मुझे वो सोचना ही नहीं है, सोच के ही बहुत रोना आ जाता है. पता नहीं, मुझे लगता है कि जब नैना की विदाई होगी, किसी भी एक्टर को ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब रियल में रोने वाले हैं. जैसे कि काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि मैं कोलकाता में प्रोफेशनली क्लासिकल डांस टीचर रह चुकी हूँ, तो ऐसे तो हमारे कोरियोग्राफर आते रहते हैं, लेकिन जैसे प्यारा सा सॉन्ग छोटा मोटा कुछ होता है तो हम लोग आपस में कर लेते हैं, और नैना ऑलरेडी बहुत अच्छी डांसर है, तो उसको बस खाली बताना पड़ता है, नैना ऐसे नहीं है, ऐसे वो. इट्स दिस रिपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट एंड वर्ल्ड.